सलाम अलैकुम मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किंग रियान खान गार्डन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मनी प्लांट्स। ये मेरे भाई के प्लांट्स है, मनी प्लांट्स। मेरे भाई का चैनल है किंग रियान खान गार्डन। तो मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ अफ्रीका से छुट्टियाँ मनाने के लिए, और ये है मेरा भाई, और ये है एक और भाई, इसका नाम है नादिर शाह। तो दोस्तों, आज मैं इनसे पूछता हूँ कि ये लोग मनी प्लांट के साथ क्या करने वाले हैं। ये नादिर शाह है। नादिर शाह भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आज हम मनी प्लांट को डेकोरेट करने वाले हैं अच्छे से, जालियों के साथ, बड़े बेहतरीन तरीके से। आपको वीडियो में बताएंगे भी हम। ये रस्सियाँ क्यों काट रहे हैं? क्या मनी प्लांट को इस रस्सियों के साथ बांधोगे, इस ग्रिल के ऊपर? इस रस्सियों को हम मनी प्लांट से बांधेंगे ग्रिलों के साथ, और बड़ा खूबसूरती से इसको डिजाइन देंगे। तो गाइस, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये इसको क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये देखो, यहाँ जब सीढ़ियों के ऊपर आओगे तो आप यहाँ देखो कितनी सारी इसकी बेले जो है, कितनी लंबी लंबी बेले हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी बेले कितनी नीचे आ गई है। तो इनकी प्लानिंग ये है कि इन बेलों को इन ग्रिल के साथ जो ना ऊपर चढ़ा देंगे, तो इससे जो ना इसकी खूबसूरती एक अलग ही निकल के सामने आएगी। तो आइए हम देखते हैं। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि देखो, ये हमारा टेरिस है। टेरिस के ऊपर इन्होंने एक कोना ये लिया हुआ है। इस कोने के ऊपर इन्होंने ये मैट बिछाई है ना, ग्रेस मैट इसको बोलते हैं। और इन्होंने ये झाड़ू रखी है, क्योंकि डस्ट वगैरह आती है छत, जाहिर सी बात है, खुली छत है, हवा से डस्ट आ जाती है। तो ये इनकी सफाई वगैरह भी करते रहते हैं। और ये प्लेट भी नीचे रखी है, जब इनको पानी देंगे, एक्स्ट्रा पानी जब नीचे आएगा तो इस प्लेट के अंदर आएगा, तो इससे ये ग्रेस जो है ये साफ रहेगी हमारी। तो गाइस, हमने इसको बांधने का काम शुरू कर दिया है, और इसको हमने यहाँ एक सहारा दिया जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा इसकी जो बेल जा रही है, आप ये देखें, ये बेल हमने ग्रिल के ऊपर चढ़ाई है। एक यहाँ पे हमने इसको बांधा है और एक यहाँ से बांधा है, और जब यहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू होगी तो इसको मजीद ऊपर तक हम ले जाएंगे। अब ये दूसरा प्लांट है, इसको भी हम बाहर ले आए। मैं आपको इसकी बेल दिखाता हूँ, देखो कितनी लंबी जा रही है। ये यहाँ से शुरू हो रही है बेल, और ये देखो, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये प्लांट है, और ये इसकी बेल कितनी लंबी यहाँ तक आ गई है। ये देखो, ये इसका कोना है। तो अब हम इसको भी सेटिंग कर रहे हैं। और दूसरी बेल ये भी देख सकते हैं आप, इसकी और भी जो ना बेलें निकली है, दूसरी दो तीन तरफ से निकली हुई है, और सारी लंबी हम इन सबको बांधने वाले हैं। ये जो आप ग्रिल देख रहे हो, ये जब इस सब पे बन जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने हैंगिंग प्लांट भी लगाए हुए हैं जो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं यहाँ पर। और नीचे भी कुछ प्लांट्स हमारे रखे हुए हैं, इसमें स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, और पुदीना भी हमने लगाया हुआ है, और वो सामने आपको दिख रहा होगा प्लांट। तो गाइस, ये देखिए, हमने बेल चढ़ाना ऊपर शुरू कर दी है, बांधना शुरू कर दिया है यहाँ पे। एक काम करते हैं, सब बनने से पहले मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ कि बनने से पहले ये किस तरह से लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये प्लांट्स हमने अलग करके रखा है। इनकी इतनी लंबी लंबी बेले बन गई है कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। हवा में उड़ रही है ये बेल। तो देखो, जैसे ये देखो, एक बेल ये उठा रहा है बंदा, नादिर भाई उठा रहे हैं बेल चढ़ाने के लिए ऊपर। और ये हमारे पास तकरीबन 12 से 15 प्लांट है। कितने प्लांट है ये? 15 ये हमारे पास पॉट है, और ये ग्रिल पे चढ़ाना शुरू कर दिया है। ये ग्रिल बाकी है, ये पहले लगने से पहले का मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ, और जब ये लग जाएगा पूरा तो मैं वो भी आपको लुक एक दिखाऊंगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि मनी प्लांट की क्या खासियत है। ये मनी प्लांट को जब इसकी रूट्स बनना शुरू होती है ना, तो इसको कोई भी नरम जैसी जगह मिलेगी ना, वहां पे ये अपनी रूटिंग पकड़ना शुरू कर देती है। अब देखो, ये इसकी रूट्स यहाँ इसके अंदर घुस चुकी है। ये हमारा ग्रीन मैट है, इसको हमने सारे खूबसूरती के लिए यहाँ लगाया हुआ है, इसकी मैट यहाँ। अब इसको हम यहाँ से निकालेंगे और इसको यहाँ पे बांध देंगे ऊपर ग्रिल के ऊपर। ये देखिए, ये नादिर साहब निकाल रहे हैं इसको, बहुत ही इसको तरीके से निकालना पड़ेगा। इसकी रूट्स दिखाना जूम करके, ये देखिए इसकी रूट से कितनी मोटी है, अंदर घुस गई थी है। ये बेल आ रही है इस प्लांट में से, ये इस प्लांट की बेल है ना फिर। इसको अलग कर दो, और यही मनी प्लांट की खासियत है, ये बहुत आसानी से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और इसको जो भी जगह मिले। अब ये ग्रिल जो है लोहे की है, अगर इसकी जगह लकड़ी की ग्रिल होती ना, तो फिर हमें इसके बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये इसकी रूट्स खुद ही इस लकड़ी को पकड़ लेते हैं। फाइनली ये हमारा आखिरी पॉट है जिसको हम यहाँ बांध रहे हैं, और हम पूरा इसको जो है ना, सारे 15 के 15 पॉट को हम यहाँ पे एक बांध चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आपको मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा लुक आ सके। ये देखिए, अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि यहाँ हमने पूरी सफाई भी कर दी है, और नीचे से देख सकते हैं आप, ये ब्यूटीफुल 15 प्लांट पॉट हमने यहाँ रखे हैं मनी प्लांट के। मनी प्लांट, इसको हम लकी प्लांट भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब हम एक काम करके इनको पानी देते हैं, और इनके, क्योंकि इनके सारे लीव्स जितने भी है ना, इनके ऊपर पूरी डस्ट लगी हुई है, इनको हम शावर करते हैं,
तो फिर जो है ना इसका हम लुक और लुक देखते हैं, फाइनल लुक भी आपको मैं दिखाता हूँ इसका। फ्रेंड्स इनको पानी देने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि हमारा जो दूसरा पोर्शन है यहाँ की भी हम सफाई कर रहे हैं हाथों हाथ, क्योंकि जब एक तरफ हम एक अच्छा लुक देने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमें लुक अच्छा ही देना चाहिए। हमने क्या किया, ये सारे प्लांट्स यहाँ से उठा के फिलहाल यहाँ पर रखे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं सब यहाँ से उठा के लिया है। और यहाँ पे अभी ये नादिर भाई सफाई कर रहे हैं, ये पूरा कचरा हम यहाँ से साफ करेंगे, फिर इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा के रखेंगे ताकि मनी प्लांट की जो खूबसूरती है उसको बिल्कुल भी जो ना दो चार ना होनी चाहिए, तो उसको भी हम खूबसूरत दिखाने के लिए यहाँ पे पूरा गार्डन भी हमारा साफ होना चाहिए, तो इससे एक बेहतरीन लुक आएगा सामने। नादिर ने पानी देना शुरू कर दिया है प्लांट्स को, तो हमारा मिशन ये है कि इनके पत्तों के ऊपर जो है ना डस्ट बहुत जमा हो गई है, तो पानी तो ऑलरेडी हम दे चुके थे सुबह गमलों के अंदर सारे, अब जो है ना सिर्फ इसको सारे पत्तों को अच्छे से वॉश करना है ताकि इसकी एक खूबसूरती आ सके, और डस्ट वगैरह जमी होती ना तो उससे ग्रोथ होने में भी जरा मुश्किल होती है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देता चलूँ, वो टिप्स ये है कि आप अक्सर देखते होंगे कि मनी प्लांट के जो लीव्स है वो बड़े होते हैं, तो उनको बड़े करने का क्या तरीका होता है, उनको बड़े करने का सिंपल तरीका यही है कि हमें मनी प्लांट को वक्तन फोक्तन दो से तीन दिन में इनके पत्तों को अच्छे से हमें वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह होती है कि आप देख सकते हैं कि ये जो मनी प्लांट है और इसकी जो ये एरियल रूट्स है यहाँ पे जो ना जब हम मिट्टी में पानी देते हैं नीचे तो यहाँ पे पानी ऊपर इतनी आसानी से पहुँचता नहीं है, तो जब हम इसको शावर करते रहेंगे और इनकी जो एरियल रूट्स है इनको पानी मिलता रहेगा तो इससे इनकी जो लीव्स है इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और इनका साइज भी बड़ा होगा। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे आप ये देखें ये पानी है और ये लीव्स देखें, मेरे हाथ से भी बड़ा लीव्स है इसका, क्यों ये नीचे की तरफ है इनको अच्छे से पानी मिल जाता है, लेकिन जो ऊपर है तो उनको एरियल रूट्स को पानी नहीं मिलेगा तो उनके पत्तों का साइज जो है ना छोटा रहता है। तो टिप्स यही है कि आप इसको हर 3-4 दिन में इसको स्प्रे करते रहे तो इसके आपके सारे लीव्स जो है ये बड़े साइज के होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम इसको डिकोर कर चुके हैं, पानी भी दे दिया है, सारे लीव्स भी हमने वॉश कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल हमारी हमने जो टेरिस बनाई हुई है अपनी, नीचे हमने इसको ग्रीन मैट बिछाया है और यहाँ चेयर हमने लगाई है और ये सारे प्लांट्स हैं, यहाँ हम शाम में बैठ के टी पीते हैं और बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट से हम मज़ा लेते हैं, और हमें जो है ना अपने घर को डेकोर करना चाहिए और ये प्लांट्स लीव्स इनसे बहुत फ़ायदे होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और ये मेरे प्लांट्स सब मेरे भाई के हैं, इनका अपना भी चैनल है के होम गार्डनिंग के नाम से, आप चेक करोगे के होम गार्डनिंग तो आपको चैनल आ जाएगा, उसके ऊपर तकरीबन इनके प्लांट्स की 700 वीडियो है और हर एक वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे 50+ वेराइटियाँ हैं इनके पास। फ्रेंड्स मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके घर पर जो भी प्लांट्स हैं और उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये मेरे भाई का चैनल विजिट करें के होम गार्डनिंग, इसके अंदर 700+ वीडियो है और हर एक प्लांट की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है, तो आपको आसानी उसकी वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा इनका बहुत बड़े गार्डन हैं, इनमें 50+ तो खाली वैरायटी हैं और 100+ इनके प्लांट्स हैं, डबल प्लांट्स वगैरह भी हैं, तो मैं इस गार्डन का आपको एक फुल टूर भी देने वाला हूँ और इस गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं बड़े साइज छोटे साइज इंडोर आउटडोर किसी भी किस्म के प्लांट्स हो सबको मैं आपको एक साथ फुल टूर में दिखाऊंगा, उसकी वैल्यू भी बताऊंगा, सब आपको दिखाऊंगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये डेकोरेशन भी बहुत पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़रूर अपनाएंगे, अपने घर को भी ब्यूटीफुल बनाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, अब मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।